आज हमारे साथ हैं साथिया की परिधि और पंजाबी फिल्मों के एक्ट्रेस लवी सासन, और आज हम इनसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के खाने की। जी हाँ, वैसे एक कॉमन इसे कहा जाता है कश्मीर का खाना, लेकिन हम दोनों प्रिफर करेंगे इसे बुलाना जम्मू एंड कश्मीर का खाना। तो जम्मू एंड कश्मीर रीजन है, आप खुद जम्मू को बिलोंग करती हैं, जो सिग्नेचर डिशेज हैं वो क्या है वहाँ की? कश्मीरी पुलाव है, दम आलू है, कश्मीरी साग है, ऐसे तो बहुत सारी डिशेज हैं। पहले मैं जल्दी से जाके बनाती हूँ, फिर उसके बाद हम बातें करेंगे। ओके, मैं बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी डिश बनाने जा रही हूँ, तो चलिए हम इंतजार कर रहे हैं आपका। ओके, आज मैं बनाने जा रही हूँ कश्मीरी पुलाव। आपके विषय आप ऑयल यूज कर सकते हैं या देसी घी। मुझे देसी घी ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं देसी घी यूज कर रही हूँ, लेकिन ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं ऑयल यूज करना तो आप ऑयल यूज कर सकते हैं। मैं 2 स्पून डालूंगी देसी घी, आधी मुट्ठी बोल सकते हैं आप, 1 मुट्ठी से थोड़ा कम। मैं इसमें काजू डाल रही हूँ, थोड़े से और डाल देती हूँ, कम लग रहे हैं, और थोड़े से बादाम, फ्लेम थोड़ा हाई करके इन्हें अच्छे से मुझे रोस्ट करना है, और इन्हें हमें अलग से निकाल देना है। रेड करना है काजू और बादाम दोनों को। बिना घी लिए हुए हमें ड्राई फ्रूट को बाहर निकालना है, काजू और बादाम को, और वही सेम घी में हम बनाएंगे कश्मीरी पुलाव। सबसे पहले मैं डालूंगी जीरा, कश्मीरी रेड चिली और थोड़े से स्पाइस, 2 लीव। अब स्पाइसेस डालने के बाद उन्हें अच्छे से मिक्स करके भूनने के बाद मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें डालने वाली हूँ चॉप, हमें ब्राउन करना है। अगर प्याज आपका कच्चा रह गया तो पुलाव में इतना स्वाद नहीं आएगा। प्याज स्लोली स्लोली रेड हो रहा है, हम देख सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली। ग्रीन चिली के बाद डालूंगी मैं कुछ पुदीना। पुदीने से खाने के में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट। कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी और पुदीने से खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फ्लेवर। थोड़ी सी हल्दी, मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर मैं कश्मीर के मसाले यूज करूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कश्मीर में बहुत ही अच्छे मसाले मिलते हैं, और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर। इसलिए मैं सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके बहुत बढ़िया खुशबू आती है। इसमें ऐड करेंगे बासमती राइस जो मैंने ऑलरेडी सोक करके रखे हुए थे, अब वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। मसाले में अच्छी तरह से आपको राइस को ब्लेंड करना है इस तरह से। अब इसमें मैं ऐड करूंगी वाटर। अब इसमें मैं ऐड करूंगी काजू बादाम जो हमने रोस्ट किए, ये थोड़े से मैंने रख दिए हैं जो मैं ऊपर से डालने वाली हूँ। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर।
थोड़ा सा ये जो रखा हुआ है मैंने ये लास्ट में मैं ऊपर से डालूंगी। अब कुकर को बंद कर देते हैं और जस्ट 5 मिनट्स का वेट करते हैं। तो रेडी हो चुका है हमारा कश्मीरी पुलाव। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 स्पून मिल्क, केसर, उसे जस्ट मैंने 2 स्पून मिल्क डाल के अच्छे से ब्लेंड किया है। अब इसमें हम डालेंगे ओनियन, टोमेटो एंड कोकोनट, थोड़ा सा कोरिएंडर, सॉल्ट। ये हो गया आपका रायता। ओके, वेलकम बैक लवी। मन कर रहा है कि मैं जल्दी से खा के आपको बताऊं कि कैसे बना है। खाना खा लो, तुम खा लो। सच में अपनी तारीफ नहीं करूंगी लेकिन सच में बहुत टेस्टी बना है और मैं चाहूंगी कि आप सब भी ट्राई करें। कैसे ट्राई करें रेसिपी देख के आप घर पे बनाइए और क्या। ओके, तो कश्मीरी पुलाव आपने बनाई, हमने देखा कि आपने किस तरह बनाया। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के खाने के बारे में। लवी, सबसे पहले बताइए कि क्या क्या वहाँ की फेमस डिशेस है, स्पेशलिटी क्या क्या है वहां के खाने की। कश्मीरी साग जो बहुत ज्यादा टेस्टी है, और एक हाक करके सब्जी आती है ग्रीन लीव्स, वो बहुत अच्छा है वहां पे। खट्टे बैंगन बहुत अच्छे बनते हैं, छोटे छोटे बैंगन और लाइक मिनी बैंगन जो आते हैं उसमें भी बना सकते हैं आप। और एक बड़े साइज के जो फुल साइज के बैंगन आते हैं जिसका हम बैंगन का भरता बनाते हैं, वो वाले खट्टे बैंगन, वो भी बहुत अच्छी वहां की डिश है। बासमती राइस और राजमा चावल, इन सब में आपका फेवरेट क्या है? इन सब में से मेरा फेवरेट जो है वो है दम आलू और राजमा चावल और कश्मीरी साग। राजमा चावल, जो आपने 2-3 बार राजमा चावल के बारे में बात की तो मुझे वो वैष्णो देवी का ट्रिप याद आ गया, जब रास्ते भर लोग राजमा चावल खाते हुए जाते हैं। कड़ी चावल, राजमा चावल और कड़ी चावल भी वहाँ पे जो मिलता है, दही वाली कड़ी, वो भी बहुत टेस्टी है। आप जब भी जाएंगे वैष्णो देवी माता के दर्शन करने तो जरूर ट्राई करना। जैसे अगर फूड्स की बात की जाए तो मैं जरूर कहूंगी कि आप जो भी जाएगा वहां पर, स्पेशली श्रीनगर खुद साइड जाएंगे तो वहां पे चॉकलेट बर्फी मिलती है, वो बहुत ज्यादा टेस्टी है। और खुद का पतीसा मिलता है वहां पे, देसी घी का पतीसा। ये क्या होता है समझाइए जरा, मैंने तो कभी खाया नहीं है। जैसे हम सोन पापड़ी मिलती है यहाँ पे, आपको पता होगा डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स बास्केट या कहीं भी आप ग्रोसरी की शॉप पे जाएंगे तो यू विल गेट द सोन पापड़ी। सोन पापड़ी का ही मतलब दूसरा वर्जन आप कह सकते हैं, जो देसी घी में बनता है उसको पतीसा बोलते हैं। और नॉनवेज की बात की जाए तो योगर्ट लैम्प करी और मटन रोगन जोश और साग वाला मटन बनता है वहां पे। कश्मीर के साइड में हमने कोई सुना है वाजवान करके डिश होती है, बहुत बड़ी थाली में एक साथ खाते हैं सब लोग, ऐसा कुछ होता है? हाँ, वो जम्मू में नहीं होता, वो कश्मीर साइड होता है, लेकिन जो जम्मू में कश्मीरी रहते हैं शायद वो भी खाते होंगे। वो क्या होता है एक्चुअली, एक बहुत ही ह्यूज प्लेट में दे कीप ऑल द डिशेस टुगेदर, देन दे ईट टुगेदर। केसर बहुत ज्यादा हर खाने में यूज होता है। ये केसर है, मुझे आपको डिफरेंस दिखाना है, ये जो केसर है ये बेंगलोर का है। आप देख सकते हैं इसका साइज बहुत ही छोटा है और इसका कलर
इसमें सच में झूठ नहीं बोलूंगी, अगर आपको ऐसे लगेगा कि आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर इसके लिए मैं थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल रही हूँ, नथिंग लाइक दैट. इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं है. इसको अगर आप स्मेल करोगे तो कोई भी इसका फ्रेग्रेंस नहीं है. सो इट्स लाइक नॉर्मल, बट इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो बॉक्स. हाँ बिल्कुल, पैकेजिंग लोग खरीदेंगे इसकी, पैकेजिंग इतनी अट्रैक्ट हो जाएंगे. पीपल गेट अट्रैक्ट टू सी द ब्रांड. ये इस पे कुछ कश्मीरी केस फ्रॉम कश्मीर इसमें लिखा हुआ, यू कैन सी कश्मीर. यस यस आई कैन सी, यस इट्स रिटन. यस अब इसका साइज देखिए आप, जो मैंने आज यूज किया था पुलाव में भी. और इसका कलर देखना आप. मेरे ख्याल से हम आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ केसर पे ही बात कर सकते हैं, इसके साइज और कलर पे. यस दैट्स रियली लॉट ऑफ डिफरेंस. या ये तो दिख रहा है अलग है. ये तो मुझे बैंगलोर वाला जो केसर है ये मुझे कॉफी के जैसा दिख रहा है, ऐसा क्यों है? आई थिंक इट्स फ्रॉम बैंगलोर और मुंबई, आई एम नॉट श्योर. मुझे किसी ने एक्चुअली ये व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो मुझे किसी ने दिया था ये, एंड बोला था कि प्लीज मिल्क में पूरा केसर रात को मिल्क में मिक्स करके थोड़ा शुगर डाल के पीने से अच्छा होता है, बच्चे का कलर अच्छा होता है, एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. सो आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग फॉर सम टाइम, देन मुझे ऐसा लगा कि द टेस्ट इज नॉट गुड, क्योंकि मैंने केसर बचपन से खाया हुआ है और मुझे एग्जैक्ट टेस्ट पता था. द एग्जैक्ट टेस्ट ऑफ द केसर. देन आई कॉल्ड अप माय मामा एंड आई टोल्ड हिम प्लीज सेंड मी. तो उन्होंने मुझे कोरियर किए थे ऐसे 10 बॉक्सेस व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट. सो आप देख सकते हैं कलर. कि जो आप लोगों की फंक्शंस होते हैं, गैदरिंग होते हैं, जब रिलेटिव्स आते हैं, जब दोस्त आते हैं, पार्टी वगैरह होती है, तो उसमें आप लोग मेनली क्या कुक करते हैं? और जो कहते हैं ना कि हमारे इधर भोज का खाना कहते हैं, तो आप लोगों के तरफ जो है ये पार्टी का खाना किस तरह का होता है, उसमें क्या कुक किया जाता है? मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली में मोस्टली ज्यादा नॉनवेज लाइक करते हैं और खाते हैं, तो हमारे घर में नॉनवेज बनता है. लेकिन अगर शादियों की बात की जाए, जैसे गुरुद्वारे में शादी होती है तो उसे आनंद कारज कहते हैं. तो जब गुरुद्वारे में शादी के बाद का जो खाना होता है वो प्योर वेज होता है. तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है. आप पालक पनीर कह सकते हो, दाल मखनी कह सकते हो, कढ़ी कह सकते हो, दम आलू कह सकते हो, पकौड़े कह सकते हो, बहुत कुछ होता है उसमें. तो मतलब एज मच एज यू वॉन्ट टू एड ऑन वेज की वराइटीज वो होती है. बाकी और अगर रिसेप्शन होता है या कुछ फेस्टिवल्स या कुछ फंक्शंस होता है तो उसमें नॉन वेज होता है मोस्टली. अब हम थोड़ी सी क्विक एक दो क्वेश्चन ले लेंगे, एक दो कॉन्वर्सेशन करेंगे आपके कुकर के बारे में. आपने देखा होगा आपके शो साथिया का वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ है, क्या कहना है? बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है वो. या मैंने इंस्टाग्राम पे तो मतलब पीपल आर सेंडिंग मी सो मेनी वीडियोस लाइक सिमिलर लाइक दैट वीडियोस पीपल आर मेकिंग. दे आर सिटिंग एट होम विद देयर बेबीज विद देयर सास एंड बहू एंड ऑल दे आर मेकिंग एंड सेंडिंग. सो वो बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था बीच में. तो इट्स नाइस. कुकर से नाता आपका इतना गहरा है कि आज आपने कुछ कुकर में ही बनाया है? क्या करें, मतलब मोदी फैमिली की जितनी बहुएं हैं वो घूम फिर के कुकर में ही आ जाती हैं. तो आज आपने देखा परिदी ने भी आज कुकर में ही पुलाव बना दिया. आपके शो का फिर से दूसरा सीजन आ रहा है, साथिया 2 आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ कि दैट वी आर कमिंग बैक विद सीजन 2. साथिया सीजन 1 को बहुत ज्यादा प्यार दिया है सबने, और मैं चाहती हूँ कि सीजन 2 को भी सब उतना ही ज्यादा प्यार दें. और जो व्यूअर्स हैं उनकी एक्साइटमेंट मैं देखती हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो जो लिख रहे हैं दे आर लाइक वेरी एक्साइटेड. इवन आई एम एक्साइटेड टू सी कैसा होगा पार्ट 2 का लुक, सीजन 2 का लुक. क्योंकि सीजन 1 जितना ही हिट था, आई रियली विश सीजन 2 से भी ज्यादा हिट हो. ओके, अभी एक दो आपसे पर्सनल क्वेश्चन करेंगे. आप शादी करके बैंगलोर शिफ्ट हो गई हैं, अब आप माँ भी बन गई हैं, तो फिलहाल तो बहुत बिजी होंगी, लेकिन कब का प्लान है कि आप वापस? माँ बनना इज लाइक फुल टाइम जॉब, ऑफ कोर्स मदरहुड इज लाइक फुल टाइम जॉब. तो या बट इट्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग.
Already I'm getting so many messages on Instagram. Like, मुझे दिन में कम से कम सच में 10 से 15 20 messages तो आते ही हैं. और like it's very good to see the messages and the love what I am getting from my fans. कि वो अभी भी wait कर रहे हैं क्योंकि मैं शादी जब मेरी होने वाली थी before 1 year I have left साथिया. मैंने खुद शो को क्विट किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि थोड़ा शादी से पहले मैं टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करूं. फिर उसके बाद वो जो शादी का बाद वाला जो पीरियड होता है हनीमून और फैमिली के साथ अपने इन-लॉज के साथ सेटल होना, इन-लॉज के साथ टाइम स्पेंड करना, वो पूरा पीरियड था मेरा. मैसेज के रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ फैंस के, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप मतलब उम्मीद मत रखना कि बहुत जल्दी Love you will come back because it's not possible. My baby is very small. It's not a right time. Meri first priority mera bachcha hai abhi mere liye. To Royce thoda bada ho jaye aur achhi koi script aa jaye, timings agar match ho jaye aur then I would love to come. Okay, chaliye, thank you so much Lavi. Aapne apne apne busy schedule se time nikal kar hame time diya. बेबी को संभालना आसान काम नहीं होता, लेकिन आपने उसमें से टाइम निकाला और हमें टाइम दिया. थैंक यू सो मच. ऑल थैंक्स टू माय हस्बैंड, ही इज टेकिंग केयर ऑफ माय बेबी टुडे. ओके, प्लीज थैंक्स टू हिम. थैंक्स टू हिम, बट आई एम हंग्री नाउ, मुझे भूख लग रही है. मेरा डिनर, कश्मीरी पुलाव खा लो तुम. कश्मीरी पुलाव खाऊंगी और थोड़ा सा विल मेक समथिंग सैलेड एंड ऑल. यस यस, चलो थैंक यू सो मच, धन्यवाद.